हेलो दोस्तों, ये सप्लाई वेसल का डेक एरिया है जहाँ पर मटेरियल रखा जाता है। इसी डेक एरिया में मटेरियल रख के ऑफशोर लेके जाता है। हुकअप बार में जो लोग काम करते हैं उनको मटेरियल सप्लाई चाहिए तो यहाँ से लेके जाते हैं पोर्ट से। और ये 3 कंटेनर रखा हुआ है, इसमें खाने पीने का सामान है, मिल्क आइटम, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आइटम इसी में रहता है। ये लेके जाते हैं ऑफशोर में, इसी से सारा चीज़ सप्लाई होती है। या मैन पावर को साइन ऑन करना है या उधर से किसी को साइन ऑफ करना है तो इसी वेसल में जाते हैं। ठीक है, तो और मैं आपको फर्दर आपको सप्लाई वेसल में क्या क्या फैसिलिटीज़ है और क्या क्या खाने पीने का सा इंतज़ाम रहता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। अभी मैं आपको अभी नीचे लेके चलता हूँ, दिखाता हूँ कि रूम कैसा रहता है। मतलब जब हम जाते हैं जैसे ट्रेवल, बेसिकली एक हिसाब से ये ट्रेन हो गया, कहीं जाना हो तो घर जाने के लिए गाड़ी बस इस तरह का चाहिए, तो ये उस ये सवारी गाड़ी समझ लीजिए कि ये है। हम ड्यूटी पे जाना है तो इस पर बैठ के हमको जाना होगा। तो वो दिखाते हैं कि हम जब जाते हैं ऑफशोर तो वेसल से तो क्या क्या रूम कैसा रहता है, खाना पीना कैसा रहता है, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। लेके चलता हूँ मैं नीचे, अभी मैं सेकेंड फ्लोर पे हूँ तो मैं पहले अपना रूम दिखाऊँगा। मैं आज ऑफशोर जा रहा हूँ, ड्यूटी ज्वाइन कर रहा हूँ, 2024 है, कल ईद थी और आज मैं ऑफशोर जा रहा हूँ। तो देखिए, कुछ भी आपको कोई सवाल पूछना हो कुछ पूछ सकते हैं आप। और कोई बहुत बहुत सारे लोग ऑफशोर में जॉब करने के लिए इंटरेस्टेड है, तो देखिए आपको एक्सपीरियंस लेना होगा तभी आप ऑफशोर में जॉब कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, मैं जो काम करता हूँ वो ऑयल एंड गैस फील्ड में काम करता हूँ, कंस्ट्रक्शन का काम करता हूँ जिसमें प्लेटफॉर्म को बनाया जाता है। ये देखिए मैं अंदर आ चुका हूँ और आपको अंदर लेके चलता हूँ। देखिए काफ़ी अच्छा फैसिलिटीज रहता है, बहुत अच्छा, मतलब जो स्टाफ रहता है, क्रू मेंबर रहता है, काफ़ी सपोर्टिव रहता है, लोग खाना पीना अच्छा देता है। देखिए ये नीचे जाने के लिए है, गैली गैली जाने के लिए, किचन जहाँ खाना पीना खाएंगे वो नीचे जाने के लिए स्टेयर्स है, ये वाला ऊपर जाने के लिए है। 3-4 फ्लोर का रहता है ऐसे सप्लाई वेसल का। ये हर रूम में कोई 2 मैन का केबिन रहेगा, कोई 4 मैन का। ये मेरा है, ये 2 मैन का केबिन है, ये देखिए कितना अच्छा है, क्लीन। ये नीचे का बेड मेरा है बहुत अच्छा, अच्छी नींद आई आज और कल मैं साइट पे पहुंचूंगा। वॉशरूम भी काफ़ी अच्छा रहता है, ये मेरा बैग है। वॉशरूम नहाने आने के लिए गर्म पानी हमेशा अवेलेबल रहता है। पानी के लिए यहाँ पर वाटर मेकर लगा रहता है, नहीं चेंजर रूम में वो वाटर सप्लाई करता है, दोनों हॉट वाटर एंड कोल्ड वाटर दोनों। ये देखिए अब मैं फर्दर आपको नीचे लेके जाऊँगा, गैली, किचन को गैली बोलते हैं, गैली लेके जाऊँगा, गैली एरिया। और आपको मेस रूम दिखाता हूँ कहाँ पर खाना खाते हैं हम लोग। देखिए अब लेके चलता हूँ मैं आपको इधर बाहर लेके चलता हूँ, दिखाता हूँ मैं आपको फर्दर। जो वीडियो बनाऊंगा मैं आपको एक दिखाऊंगा कि सप्लाई वेसल्स में, ऑफशोर में, बोट में लाइफ जैकेट कैसे पहनते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए मैं जा रहा हूँ नीचे, ये नीचे सामने ये स्टेयर्स से नीचे जाएंगे अब। ओके, तो लाइफ जैकेट कैसे पहनते हैं वो दिखाऊंगा। बेसिकली जो फर्स्ट टाइम आते हैं तो उनको बहुत कन्फ्यूज़न रहता है, जब जब सेफ्टी ड्रिल करते हैं तो लोग जल्दी पहन नहीं पाते हैं, तो उसको मैं एक बार बता के दिखा दूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए ये मेस रूम है, ब्रेकफास्ट का टाइम है सुबह सुबह, कुछ लोग खा के जा चुके हैं और कुछ लोग खाने वाले हैं। ब्रेकफास्ट में ऑमलेट है, चिकन का एक कबाब, एक रोल टाइप का है चिकन का, अंडा है, मैगी है, मिल्क में जो भी ग्रीन टी चाहिए ग्रीन टी लीजिए। और ये ब्रेकफास्ट का टाइम रहता है 7:30 to 8:30, लंच का टाइम 12 बजे से 11 बजे तक, डिनर 7 से 8:30 तक, एक टाइम टेबल रहता है खाने का उन लोगों के लिए जो इसमें से सफ़र करते हैं ऑफशोर में ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए। ओके, अब मैं आपको लेके चलता हूँ किचन में, किचन को गैली बोलते हैं। देखिए गैली लिखा होगा, ये देखिए गैली को लेके चलता हूँ। साफ़ सफाई अच्छा रखते हैं लोग, खाना पीना भी अच्छे से पकाते हैं, डेली वीकली इंस्पेक्शन होता है इधर सेफ्टी ऑफिसर्स का, तो काफ़ी अच्छा ख्याल रखा जाता है। बेसिकली एक ओवरव्यू था दिखाने का कि क्या क्या फैसिलिटीज़ है, कैसे रहना है वो दिखाया मैंने आपको। कोई भी क्वेश्चन हो, सवाल हो, ये पूछ सकते हैं आप, जितना हो सके मैं आपको जवाब दूंगा। और बस इतना ही, थैंक
मेरे वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फर्दर अच्छे वीडियोस के लिए। थैंक।